जी बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा जी, आज मैं आपको कुछ रेडीमेड बैंड्स की कुछ रिव्यू देता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह कुछ स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, रेडीमेड फॉर्म में, रबड़ रेडीमेड फॉर्म में, ठीक है इंशाल्लाह। और उसमें ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, येलो कलर में है, वाइट कलर में है, ग्रीन एंड रेड एंड ऑफ वाइट, ओके। तो ये आज इनकी मैं कुछ आपको बताता हूँ मेजरमेंट्स, और इसके अलावा इनकी थिकनेस और क्वालिटी के बारे में बताता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये किस क्वालिटी का और किस थिकनेस का, और अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास रेडीमेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये रोल कुछ फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। रोल फॉर्म में जो है ना वो सिर्फ ब्लैक कलर में है, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है आपको मैं बताता चलता हूँ, ठीक है। ये देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लें आप, ये येलो कलर में है, ठीक है। तो ये देखेंगे आप इंशाल्लाह, तो देखें इसमें सेम पाउच है, ठीक है, जो कि हमारी वेबसाइट पर भी लिस्ट हुआ हुआ है। तो मतलब इसकी ये सपोर्ट है, ठीक है, जब इसमें गोली डालेंगे आप, एक सेकंड मैं आपको गोली निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, ये निकल आई गोली, ठीक है, ये गोली है, ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये जिसमें गोली हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट की गोली, तो ये देखें आप, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये देखें अभी ये दोनों बाहर की तरफ से आप इसको जो है ना हाथ से पकड़ सकते हो, ठीक है, पकड़ के आप इसको इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। और मैं इसमें बताता हूँ आपको ये कौन सी इसके साथ गोली चलेगी। इसकी जो मेजरमेंट है जी रबड़ बैंड की, पहली बात ये है कि इसकी जो मेजरमेंट है वो 12 mm है पाउच से, ठीक है, 12 mm पाउच से चौड़ा है, ठीक है। और इधर से दूसरी तरफ से जहाँ पे आपको ने इसको कंस्ट्रिक्ट करना है वो 20 mm का है, ठीक है, 20-12। और इसकी ओवरऑल इस बैंड की मेजर लेंथ जो है वो 210 mm है, ठीक है, 210 mm ये एक साइड से लंबा है, ठीक है, और 12 mm इधर से ये चौड़ा है और 20 mm इधर से चौड़ा है, ठीक है। इसकी टेपरिंग जो है वो है 12-20 और 210 mm, ठीक है। और इसके अलावा 42 mm का इसके साथ बैंड ये पाउच लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें ये आपको मैंने बता दिया कि स्पोर्ट के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म का इसका पाउच है, ब्लू एंड ब्लैक, बाहर की तरफ से ब्लू है और अंदर की तरफ से ये ब्लैक है, ठीक है। तो इसके साथ गोली कौन सी चलेगी और इसकी थिकनेस क्या है जी, ये मैं बता दूँ आपको। इसकी मेजरमेंट तो मैंने आपको बता दी हुई है, ठीक है, इसकी जो थिकनेस है वो 0.65 mm है, ठीक है। इसके साथ आपके आपको जो है ना वो 6 mm भी चला सकते हैं, 8 भी चला सकते हैं और 7 mm भी चला सकते हैं गोली, ठीक है। तो ये तीन बुलेट्स जो हैं स्टील बॉल्स इसके लिए जो है ना वो बेहतरीन है, ठीक है, 6, 7 और 8 mm, ठीक है। और ये पाउच भी उसी के साथ उसी उन गोलियों के लिए ही लगा हुआ है, ठीक है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना इसके दूसरे कलर भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो येलो कलर में था, ठीक है, इसके अलावा ये आप देखेंगे इंशाल्लाह वाइट कलर में भी है, ये देखें, ठीक है, ये वाइट कलर में है, ये भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी क्वालिटी है, ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी है इसकी भी, ठीक है, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त क्वालिटी है, बड़ी जो है ना मजबूत चीज़ है। ये हमारे खुद के ब्रांड के हैं, ठीक है, ये TH ब्रांड है ये भी, ठीक है, लेकिन डिफरेंट कलर में। ये जी ग्रीन बैंड है, ठीक है, ये ग्रीन कलर में है, सेम मेजरमेंट, सेम थिकनेस और सेम पाउच मेजरमेंट जितनी भी है सबकी, ठीक है, वो सेम है, ठीक है। तो ये भी अवेलेबल है हमारे पास, ये कलर में है। इसके अलावा जो इनमें ये कलर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये देखें जी, ये भी बड़ा खूबसूरत कलर है। तो ये देखें आप इंशाल्लाह, ये जी रेड एंड ऑफ वाइट, ओके, मतलब कि अंदर की तरफ से ये वाइट है, उसके अलावा बाहर की तरफ से ये रेड, कंप्लीट रेड नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा रेड है, ठीक है, हल्की सी में कमी है मजीद रेडिश होने की। तो ये भी अवेलेबल है, ठीक है, ये भी 0.65 mm का रबड़ है, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको जी, ये देखें, ये देखें जी, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है, बड़ी मज़े की चीज़ है ये। और इसका मैं अभी मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना इसको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है, स्लिंग शॉट के ऊपर जी, इंशाल्लाह अभी मैं आपको स्लिंग शॉट के ऊपर इसको लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें जी, ये स्लिंग शॉट है, तो ये रेड कलर की स्लिंग शॉट है, तो रेड कलर का ही जो है ना इस पर लगना जो है ना वो मुनासिब है, ठीक है। फिलहाल मेरे पास कोई इसका खोलने के लिए कोई औजार नहीं है, इसलिए मैं इसको स्केल के साथ ही ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जी आपको मैं बताता चलूँ, ये देखें जी, इसको मैंने किया लूज़ किया ये एक साइड पे, तो इंशाल्लाह, ठीक है, ये रेड पावर मेटल स्लिंग शॉट है, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर ये लगाता हूँ इंशाल्लाह बैंड, फिर आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह, ये आप देख रहे होंगे इंशाल्लाह, ये देखें जी, इसको आपने इधर से सिंपली जो है ना कंस्ट्रक्शन को जो है ना इसकी लूज़ करके इसको आपने फिट करना है, ठीक है। फिर आप किसी भी चीज़ के साथ पेचकास जो होता है स्क्रू टाइट करने वाला वो भी, या किसी भी और चीज़ के साथ आप इसको टाइट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है इंशाल्लाह।
और इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको मिल जाए, लाइक अभी मेरे पास वो स्केल था तो मैंने स्केल के साथ इसको जो है ना मज़ीद मजबूत कर लिया। ठीक है, ये बिल्कुल दूसरी तरफ से मैंने कर लिया। थोड़ा सा मैं इनको जो है ना इसके साथ टाइट करूँ ताकि खींचते वक्त मेरे मुंह पे कहीं खुल के ना आ जाए, तो आपने ये भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये देखें जी, ज़बरदस्त कितना ये खूबसूरत है इसके साथ लग रहा है फ़िलहाल। तो जब चलेगा इंशाल्लाह तभी खूबसूरती के साथ चलेगा। ठीक है, इंशाल्लाह इसको आपने इस तरह ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ करके आपने इसको ठीक है छोड़ना है। तो ये जी बड़ी खूबसूरत स्लिंग शॉट के साथ खूबसूरत रबड़ बैंड है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का, ये हमारे खुद के ब्रांड का। ठीक है, लोकल ब्रांडिंग है ये सही। ठीक है, इम्पोर्टेड जो है ना ये चीज़ है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। जो फिलहाल इसकी जो रिसेंट प्राइस है वो आप जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो भी इसकी रिसेंट प्राइस है आप देख लें। वीडियो में मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि कुछ लोगों ने वीडियो जो है ना 4 महीने बाद देखने, किसी ने कुछ 5 महीने बाद, तो फिर वो रेट पूछते रहते हैं, भैया ये इसका रेट आपने तब कुछ बताया था अभी कुछ और है। तो इसलिए कोई आपने रिसेंट प्राइस देखी है तो नीचे लिंक है इसका। ठीक है, वेबसाइट पे जाए हमारी, उधर जो है ना इन सब कलर्स के नीचे वेबसाइट पे इन सब कलर्स की जो है ना वेबसाइट पे इनके लिंक अवेलेबल है। ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट जो है ना कलर के रबड़ का लिंक ओपन करें और इंशाल्लाह आपको प्राइस वगैरह मिल जाएगी। लेकिन ये हम सिंगल पीस नहीं सेल आउट करते, बंडल में सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मिनिमम बंडल होता है वो 10 पीसेस का होता है। ठीक है, इंशाल्लाह वर्ल्ड ओवर भी इसकी शिपिंग है और जो है ना इसकी शिपिंग जो है ना पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो जो इंडियन कस्टमर्स हैं हमारे वो अपनी जो है ना indianslingshot.com पे भी ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारे वर्ल्ड ओवर उसके अलावा पाकिस्तान में कस्टमर्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे tasirhunting.com पे भी वो तो उधर ही सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको रोल फॉर्म भी दिखाता हूँ। ठीक है, पहले भी दिखा चुका हूँ इसको, मैं अभी खोल रहा हूँ। ये बड़ी मज़े की क्वालिटी है, सारी मज़े की क्वालिटी है, लेकिन जो है ना ब्लैक कलर जो है ना विंटर्स के लिए स्पेशल है। ठीक है, मैं ये बस समझता हूँ इसको, तो क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी कलर मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे वो कलर पसंद नहीं है। ठीक है, कोई भी कलर लेकिन लोगों को बड़े पसंद होते हैं, लेकिन उनको शायद ब्लैक कलर पसंद नहीं आता। ये कलर शायद मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इस पर मेरे ऊपर फोटो लगी हुई है, शायद इसीलिए। तो जो भी है जो भी मामला है, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी है इसकी भी। ठीक है, मुझे ये बहुत पसंद है और मैं इसको बड़े मज़े से यूज़ करता हूँ। बड़ी बड़ी दूर से शॉट्स 50-60 yards में भी इसको मैं ना परिंदों के साथ इस रबड़ के साथ गिराता हूँ। ठीक है, 8mm स्टील के साथ मोस्टली और 6mm के साथ। ठीक है, तो ये भी अवेलेबल है। ठीक है, ये बात है, लेकिन आपको फिलहाल आपको रीसेंट प्राइस जो इस वक्त 17 जनवरी की है वो ये है कि इसकी एक ही कीमत जो है ना वो 170 rupees है। ठीक है, 170 rupees का ये एक रबड़ है जो एक स्लिंग शॉट के ऊपर लगा हुआ होता है। ठीक है, ये जो लगा हुआ है, अच्छा तो इसमें बात ये है कि अगर आप एक बैंड है ये, ठीक है, ये 3500 rupees इसकी रीसेंट प्राइस है। ठीक है, मे बी इन फ्यूचर ज़्यादा हो या कम हो वो अलग बात है, तो लेकिन फिलहाल 17 जनवरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी 3500 rupees प्राइस है। तो इसको अगर आप काटेंगे तो ये 6.25 feet लंबा होता है। ठीक है, इसको खोलेंगे तो आप ये 6.25 feet लंबा होता है, ये देखो ना अभी रोल फॉर्म में है, तो 6.25 feet लंबा है। तो इससे अगर आप रबड़ बैंड बनाएंगे तो वो आपके बनेंगे 43-47 bands बनेंगे। ठीक है, जो कि अगर आप ये देखें, अगर आप ये फर्ज करें 45 rupees में मुझसे परचेज करेंगे तो डेफिनेटली आपको कम से कम मुझे 8 या 9 हज़ार रुपये के आपको रबड़ पड़ेंगे जो आप हमसे लेंगे। ठीक है, 8-9 हज़ार के ये पड़ेंगे आपको, 40-45 अगर आप ये रोल फॉर्म में परचेज करेंगे तो रोल फॉर्म में जो है ना वो आपको मिल जाएगा 3500 rupees में, ये काम जो है ना आपका सिलसिला खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह इसके अलावा जो डिफरेंट पाउचेस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये देखें 6mm के 10mm गोली के लिए सारे पाउचेस जो है ना अवेलेबल हैं। ठीक है, 10-11 के लिए भी हैं, 9 के लिए भी हैं, 8 के लिए भी हैं, 7 के लिए भी हैं। ठीक है, तो आप इनके साथ रोल के साथ जो है ना ये भी परचेज कर सकते हैं 20 rupees के एक, इसकी रीसेंट प्राइस है ये पाउचेस की। ठीक है, 20 का ये एक होता है। ठीक है, तो रीसेंट प्राइसेस की ये थी, तो मैंने ये रोल फॉर्म में बता दिया आपको। ठीक है, बड़ी मज़े की क्वालिटी है इसकी, सबकी मज़े की क्वालिटी है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को रबड़ बैंड बनाने नहीं आते तो जाहिर सी बात है फिर थोड़ा उनको जो है थोड़ा सा ये रबड़ लेना पड़ता है जो थोड़ा सा महंगा पड़ता है इसकी नस्बत। ठीक है, तो ये मामला है। तो इंशाल्लाह जो भी चीज़ अगर आपको चाहिए हो, स्लिंग शॉट चाहिए हो, तो मतलब किसी भी तरह के डिज़ाइन जो फिलहाल रिसेंट अवेलेबल होंगे वो हमारी वेबसाइट tasirhunting.com पे जाएं। अगर कोई इंडियन कस्टमर या हमारा कोई व्यूअर या हमारा कोई फैन कहीं से हमें देख रहा है इंडिया से, अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो फिर वो आप हमारी वेबसाइट indianslingshot.com पे विजिट करें, उधर जो है ना ऑर्डर वगैरह अपना कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी कस्टमर जो है वो ये परचेज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले, ठीक है, जो भी स्लिंग शॉट है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ग्रीन फॉर्म में है, ये देखें ये बंडल है। ठीक है, इस तरह के बंडल्स हैं, कुछ जो वेबसाइट पे लिस्ट हुए हुए हैं वो 10 पीस का एक बंडल होता है। ठीक है, और उसकी 10 पीसेस की कीमत उसके साथ लिखी हुई होती है। ठीक है, तो ये वाली आप सारी प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।